हमारा अगला टॉपिक है इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस। सबसे पहले आता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको समझने के लिए हम जिस प्लांट का एग्जांपल ले रहे हैं वो है स्नैपड्रैगन। तो यहाँ पर हमारे पास है रेड स्नैपड्रैगन और यहाँ पर हमारे पास है वाइट स्नैपड्रैगन, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारे पास जीनोटाइप क्या बन रहे हैं। रेड स्नैपड्रैगन को हमने डिनोट किया है कैपिटल आर से, यानी कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट वाला केस है, क्योंकि ये कैपिटल लेटर यूज़ हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा ये रेड कलर डोमिनेंट है। और इसी का हम स्मॉल लेटर ले रहे हैं स्मॉल आर, इसका वाइट कलर कैसा होगा, रिसेसिव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका F1 जनरेशन के लिए क्रॉस कराएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे। मान लीजिए यहाँ से एक आया और यहाँ से भी एक आया, जैसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने पढ़ा था, एक और एक गैमीट आएगा दोनों की तरफ से। और फर्स्ट केस में क्या होगा, F1 जनरेशन में हमें जो प्लांट्स मिले वो सारे के सारे कैसे थे, पिंक थे, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर आए और दोनों में से कोई भी कम्प्लीटली डोमिनेट कर ही नहीं पाया, ना इसका डोमिनेशन पूरा हुआ ना इसका डोमिनेशन पूरा हुआ, इसीलिए दोनों कलर ब्लेंड हो गए और इसको हमने नाम दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स कैसे दिखे, पिंक। अब इन्हीं पिंक प्लांट्स का हम कराएंगे सेल्फ क्रॉस। उसके लिए क्या होगा, हम वापस से प्यूनेट चेकरबोर्ड बनाएंगे। हमारे पास होंगे गैमीट्स कैपिटल आर स्मॉल आर, ये मेल गैमीट्स हो गए, ये हो गए आपके कैपिटल आर स्मॉल आर फीमेल गैमीट्स। तो सबसे पहले क्या होगा, कैपिटल आर आया, उसके बाद आया आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद वापस से आया कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये आ रहा है आपका स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो आप बाहर से देखकर ही बता पा रहे हैं क्या कि आपके पास एक है रेड, दो है पिंक और एक है वाइट। जब बाहर से ही हमें पता चल रहा है F2 जेनरेशन में कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको हम कहेंगे फिनोटिपिक रेशियो, जिसमें आपको तीन चीज़ें दिखी, रेड पिंक एंड वाइट। तो आप कैसे लिखोगे इसको, 1:2:1। अगर आप जीनोटिपिक रेशियो की बात करोगे, अगेन सेम ही चीज़ आ रही है, ये आपको एकदम ही अलग केस दिख रहा है, ये दोनों एकदम ही अलग केस दिख रहे हैं और ये आपको एकदम ही अलग केस दिख रहा है। तो जीनोटिपिक रेशियो भी कितना आया, 1:2:1। अब कोडोमिनेंस को समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे ह्यूमंस के ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का। तो हमें पता है हमारे अंदर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। ब्लड ग्रुप्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका A, एक होता है B, एक होता है AB और एक होता है O। ये सारे के सारे ब्लड ग्रुप जो है वो कंट्रोल कर रहा है कौन, जीन। और हर जीन के क्या होते हैं, एलील्स होते हैं। तो इनके एलील्स क्या क्या है, IA, IB एंड स्मॉल i। अब इन एलील्स में क्या होगा, कुछ डोमिनेंट होंगे, राइट, या तो ये डोमिनेंट होगा या तो ये डोमिनेंट होगा, या तो फिर हम देख लेते हैं कि क्या केसेस निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसमें क्या है, IA एंड IB आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल i। मतलब अगर स्मॉल आई को दिखना है, उसके लिए इन दोनों का एब्सेंट होना जरूरी होगा, तभी हमें रिसेसिव ट्रेट दिखेगा। और ये दोनों कंप्लीटली डोमिनेट कर जा रहे हैं इसको, राइट। अब दूसरा क्या है, ये जो IA IB है, इन दोनों में से कौन सा डोमिनेंट है, इन दोनों में से कोई सा भी डोमिनेंट नहीं है, ये दोनों ही एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और इसी को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। अब हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे कि कैसे कैसे ब्लड ग्रुप्स हमारे फॉर्म हुए हैं और उसमें कोडोमिनेंस का क्या रोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आएगा आपका एक एलील जो पेरेंट वन में से होगा, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर आएगा एक एलील जो पेरेंट टू में से होगा, उसका एक जीनोटाइप बनेगा और एक ब्लड टाइप निकल के आएगा, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक एलील आ रहा है एक पेरेंट से जो है IA, ठीक है, और दूसरे पेरेंट से भी आपको आ रहा है IA, तो इसका जीनोटाइप कैसा दिखा, IA और IA, और इसका ब्लड टाइप क्या हुआ, A, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, अगेन आ रहा है IA, इसके बाद आ रहा है IB, इसके बाद आ रहा है IA IB। अब जैसे कि मैंने क्या बताया था यहाँ पर, कि दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस, तो इसका ब्लड टाइप क्या आएगा, AB। अगला आ रहा है आपका IA स्मॉल i, अब एक डोमिनेंट हो गया और एक रिसेसिव हो गया, जीनोटाइप बना IA और स्मॉल i, इसका ब्लड टाइप क्या होगा आपका, A, क्योंकि ये डोमिनेट कर गया A वाला पार्ट स्मॉल i पे, राइट। अब देखिए आगे, IB IA, इसका जीनोटाइप क्या बना, IA IB या IB IA,
अगेन इसका ब्लड टाइप क्या होगा, ए बी, क्योंकि फिर से वही वाली चीज हुई है कि कोडोमिनेंस का आपको यहां पर दिख रहा है। अगला आ गया आपका आई बी, फिर से आया आई बी, इसका जीनोटाइप क्या बना, आई बी और आई बी, और इसका ब्लड टाइप क्या होगा, बी, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आपका है आई बी, कॉम्बिनेशन हुआ स्मॉल आई के साथ, जीनोटाइप क्या बना, आई बी और स्मॉल आई। अब अगेन ये आपका रिसेसिव है और ये आपका डोमिनेंट है, तो ये इसके ऊपर डोमिनेट करेगा और क्या देगा ब्लड टाइप आपका, बी। अगला देख लेते हैं स्मॉल आई, स्मॉल आई के साथ आया स्मॉल आई, अब ये दोनों ही क्या होगा, ये दोनों तो हो गए आपके रिसेसिव, यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट की प्रेजेंस ही नहीं है, तो कैसे जीनोटाइप बन रहा है आपके, स्मॉल आई, और इसका ब्लड टाइप क्या होगा, ओ। तो आपको देखा ओ कब देखा, जब यहाँ पर डोमिनेंट वाले एलील की कंप्लीट एब्सेंस थी तभी आपको ओ ब्लड ग्रुप मिला, इसीलिए आपका ओ ब्लड ग्रुप जनरेशन में, ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत ही रेयर है।